वसल्लम के मतलब चचा के भाई थे। बाद उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के 20 साल के बाद की तरफ हिजरत की और यहाँ पर जहाँ भी साहब अकरम थे वो सबसे पहला काम मस्जिद बनाना था। इतनी बड़ी मस्जिद तो नहीं थी लेकिन मस्जिद थी, यहाँ पर वो मस्जिद बनाई गई उनके नाम से, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला के नाम से मस्जिद बनाई गई। और देखें ये जो आपको ये दीवार नजर आ रही है इस तरह से, इस दीवार के अंदर वाली साइड पर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु आराम फरमा रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु इस दीवार के अंदर वाली साइड पर आराम फरमा है। ये बंद है चार दीवार के अंदर, ठीक है। ये अभी हमने वैसे नफल अदा कर ली है और ये देखें ये जो आपको नजर आ रहा है ये भी दीवार के अंदर बंद वाला है। ये कब्रिस्तान है शुहदा के नाम से, जो कुछ जंग के दौरान सहाबा किराम शहीद हुए थे उनको यहाँ पर मखन किया गया, ये शुहदा के नाम से कब्रिस्तान जाना जाता है, ठीक है। अभी आसबान देखें हमने वजू बनाना है और नफिल अदा करनी है, दो रकात नमाज नफिल तहियतुल मस्जिद के नाम से, दो रकात नमाज नफिल तहियतुल मस्जिद के नाम से। और देखें लेडीज़ की जो जगह है, खवातीन की जो जगह, वो सामने जगह है आपकी, नफिल अदा करनी।